ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि देवी देवताः प्रियंताम नामामा पुनरागमनाय च टूटत अग्नि अग्नि त्वां समुद्रम गच्छ पृथ्वी त्वां शीतला भवा इन्हों के पास सिक्का नहीं था What is your name? Ananda Mai Ma. And what is your old name? Daniela. And you are from? France. And why you have taken this initiation? To go deeper. And what is your feeling? I felt when I meditate with the new mantra. Yeah. I felt the pressure here. Means why you are taking this for going deeper or for peace or for to go deeper. Deeper in meditation. In meditation. But yeah, now you have taken which mantra, which god? Shiva. Shakti Shiva. Shiva. Hi, what's your name? Matthias. And what is your now new name? Paramananda. Which initiation you have taken? Shakti Shiva. Why you have taken this? Because I feel that I wanted to take it. Shiva Mantra Diksha Karyakram Sampanna Hua Hai. तो कौन थे ये लोग क्यों इन्होंने ली दीक्षा इस महिला की माता जी ने मुझसे पहले दीक्षा ली थी उसकी प्रेरणा से ये लोग मेरे पास आए हैं और उसके कथनानुसार और इनके अनुभव के अनुसार क्योंकि कुंडलिनी की साधना इन्होंने की है इसके अनुसार इनको प्रेरणा हुई कि मंत्र दीक्षा में तो मैंने इनको मंत्र दीक्षा दी मंत्र दीक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है मंत्र दीक्षा से सुप्त जो शक्ति है एनर्जी है वह जागृत होती है यदि वे मंत्र जप करते हैं तो किंतु मंत्र उच्चारण करने के पश्चात भी उनको एनर्जी का अनुभव होता है अच्छा ऐसा भी कहा जाता है कि मंत्र से आदमी मंत्र सिद्धि करके कुछ भी अपने वांछित फल की प्राप्ति के लिए मंत्र लेते हैं बहुत से लोग तो क्या ऐसा संभव है यदि निश्चित संख्या में वो मंत्र जप करते हैं और उसका दशांश हवन करते हैं तो निश्चयतः उनको फल की प्राप्ति हो जाती है तो क्या ऐसा होता है ऐसा होता है कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग बहुत मंत्र सालों साल मंत्र जाप कर रहे हैं परंतु तो उसका फल उनको नहीं मिलता है ऐसा क्योंकि गुरु से दीक्षित नहीं होते हैं रियल गुरु से दीक्षित होने के पश्चात उनको फल की प्राप्ति होती है अर्थात मैं ये समझूं कि बिना गुरु से मंत्र लिए हुए कोई भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं हो सकता है।